देखिए आंदोलन की दिशा अगर हम बात करें तो जैसी थी वैसी ही है, बहुत अच्छी है। और हमारी जो सरकार है वो तो हम लोगों के बारे में खैर नहीं सोचती है, पर किसान भाई सोचते हैं। तो गन्ना की खेती जो है वो इस टाइम वहाँ पर हो रही है, तो उसको उसके लिए वो वहाँ पर अभी कुछ किसान वहाँ पर चले गए हैं। और उस टाइम हमारी दलाल मीडिया लगातार ये दिखाने में लगी हुई है भैया किसान आंदोलन तो ख़त्म हो गया, यहाँ के लोग ख़त्म हो गए, पर ऐसा कुछ नहीं है। थोड़े दिन बाद वो वापस आने वाले हैं, और जिस तरह से आंदोलन चल रहा था उससे भी ज़्यादा बड़ी तादाद में आंदोलन चलेगा। क्योंकि क्यों मैं बताती हूँ कि पहले यहाँ पर आंदोलन हो रहा था, अब जहां अगर हम सभाएं देखें बाहर जाकर तो हजारों लोग लाखों लोगों की भीड़ हमें दिखती है सभाओं में उनमें, तो ये साफ पता चलता है कि अब ये आंदोलन इतना बड़ा हो चुका है कि इसको खत्म करना हमारे बीजेपी सरकार के लिए नामुमकिन है। लेकिन जैसा सरकार का स्टैंड क्लियर कि हम संशोधन कर सकते हैं, कानून वापस नहीं लेंगे, किसान कह रहे हैं कि कानून वापस होने चाहिए, एमएसपी पे बिल बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए, एमएसपी पे बिल बना दो, लिखित में दे दो आप, बस और क्या चाहिए, आप इतना दे दो, इनको तो और ज्यादा कुछ चाहिए नहीं ना हमारे किसान भाइयों को, आप गारंटी दे दीजिए ना। हाँ, वही गारंटी दे दीजिए ना, अगर एमएसपी था है रहेगा, इन्होंने बोला पहले ही कि था है रहेगा, सब कुछ था होता है रहेगा भी, तो आप पहले ही बता दीजिए ना कि अगर आपको इतना ही एमएसपी से इतनी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लिखित में दे दीजिए, गारंटी लिखित में दे दीजिए कि हाँ एमएसपी पे गारंटी दे दीजिए कि हाँ नहीं होगा, और लिखतम के आगे बख्तम फेल है। तो आप सरकार उसके लिए तो तैयार नहीं है ना, लिखने के तैयार नहीं है, तो वही तो मतलब अगर आप लिखने के लिए तैयार नहीं है तो फिर आप ये बोल कैसे सकते हैं कि एमएसपी था है और रहेगा, तो आप लिख कर दे दीजिए ना। अगर आपको लिखना भी नहीं है, उसके बाद आपको झूठे वादे भी करने हैं हमारे किसान भाइयों से, अभी आपने उनको बीच में डाल रखा है, पहले बोल रहे हैं एमएसपी था फिर नहीं है, फिर उसके बाद कभी वापस नहीं होगा, तीनों कानून वापस नहीं होंगे, तो आप पहले खुद अपना माइंड फ्रेश करिए, अपनी आत्मा शुद्ध करिए, उसके बाद सोचिए कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद तीनों कानून के बारे में सोचिए। और अगर आपको कानून बनाने हैं तो बहुत से कानून ऐसे हैं जो हमारे किसान भाइयों के लिए बन सकते हैं, उन पर काम कीजिए, ये बेतुकी कानूनों पे काम करके हमारे किसान भाइयों को परेशान मत कीजिए। किसानों को क्या क्या नहीं कहा गया, पहले खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी, अब कहा जा रहा है कि ये तो सिर्फ जाटों का आंदोलन है। अब मतलब पहले तो ये सरदारों का आंदोलन था, अब गाजीपुर आ गए तो ये जाटों का आंदोलन हो गया। ये कुछ मतलब इनको दिमाग से काम नहीं लेते हैं क्या? अभी इन्होंने बोला कि इतने किसान तो यहाँ पर जैसे मरे हैं, ये तो अपने घर पर रहते तब भी मर जाते, कोई बात नहीं। हाँ, कृषि मंत्री बोल रहे हैं हरियाणा के, तो यहाँ पर अभी मरे हैं, अगर ये वहाँ पर रहते तो वहाँ पर भी मर जाते, और मरना कोई बड़ी बात उनके लिए है नहीं। तो मैंने कहा ना, इनके लिए गद्दी इतनी बड़ी है अभी इस टाइम कि इनके लिए किसान मरे, बच्चों का बलात्कार हो जाए, मॉब लिंचिंग हो जाए, इनके लिए अभी कुछ भी मतलब बड़ी चीज़ नहीं है। इनके लिए इस टाइम ये है कि बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, बंगाल में चुनाव हो रहे हैं तो उनको जीता कैसे जाए, वहाँ पर लड़ाई कैसे करवाई जाए, वहाँ पर दंगे कैसे करवाए जाए, पूरा बंगाल को जला कर रख दिया बीजेपी ने, पूरे बंगाल को आज तक हमने कभी नहीं देखा विकास। हाँ, विकास हुआ बंगाल में इनके, इनको ना इनको अपना मतलब एक नया सा चीज बनानी चाहिए, उसमें लिख देना चाहिए कि हमारे लिए विकास का मतलब है दंगे, विकास मतलब दंगे। तो हमारे जो विकास पुरुष है 2002 में उन्होंने क्या किया ये सब कुछ मालूम है, तो विकास का मतलब होता है दंगे। आप जहाँ पे भी दंगे कराएंगे, आप जहाँ पे भी लोगों को लड़वाएंगे, मरवाएंगे, जाफराबाद में आपने, दिल्ली में जो हमारे दिल्ली के चुनाव आ रहे थे तो आपने जाफराबाद में क्या कराया सबको मालूम है, उनके बाद आपने यहाँ पर सीट जीतनी चाहिए, फिर उसके बाद देखिए अभी बंगाल में चुनाव आ रहे हैं, पूरे बंगाल को जला कर रख दिया, पूरे बंगाल में इन्होंने इतनी बुरी हालात कर दी है, लगातार वहाँ पर कभी किसी की लड़ाई हो रही है, कभी किसी ने कुछ जला दिया, कभी किसी ने कुछ जला दिया, कभी भगवादारी पिट रहे हैं, कभी ये पिट रहे हैं, कभी वो पिट रहे हैं, लगातार आप इस तरह की मतलब हमारी ना जो मीडिया है वो दिखाती भी तो इन्हीं चीज़ों को है ना, हमारी मीडिया दिखाती है कि भैया बंगाल में ये हो गया, मीडिया ये भी तो दिखाए ना कि हमारे किसान जो बैठे हैं लगातार उनको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिखा रहे हैं कि तंबू खाली है, लोग ही नहीं, वही तो मैं बोल रही हूँ ना, तो मीडिया दलाल मीडिया लगातार दिखाई जा रही है कि तंबू खाली पड़े हैं, लोग है नहीं, सब कुछ खाली हैं। और एक ने तो ये भी दिखाया कि भाई हमने सिंगू बॉर्डर जाकर देखा तो सिंगू बॉर्डर में हमें एक बंदा नहीं दिखा, पूरे सिंगू बॉर्डर में उसे कोई दिखा ही नहीं, मतलब या तो चश्मा पहनकर जाना चाहिए था शायद उसे, शायद वो मतलब आंखों से इतना कमजोर था कि उसे कोई दिखा ही नहीं, मतलब सिंगू बॉर्डर में इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं, गाजीपुर में इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं, तो
ये लोग, इनके भक्तगण या फिर इनके ट्विटर वाले या फिर इनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले जितने भी लोग हैं, अगर ये इस तरह की बेकार की बातें फैलाते हैं हम लोगों में, तो हमारे लोगों का फर्ज बनता है कि हम इस तरह की बातें ना माने, हम इस तरह की बातों पर विश्वास ना करें। अगर हम इस तरह की बातों पर विश्वास करेंगे तो ये हमारे लिए ही हानिकारक होगा। पहले हमने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बहुत यूज़ किया और हमें आज देखिए क्या होने का, मतलब क्या फल मिला उसका। तो हमें ये आगे बढ़कर इस तरह से देखना, सोचना, समझना चाहिए और इसके बाद हमें सबको मिलकर इस कानूनों पे बात करनी चाहिए और तीनों कानून वापस कराना। शामली में जो संजीव बालियान ने केंद्रीय मंत्री हैं, वो कल किसानों से मिलने गए थे लेकिन उनका कड़ा विरोध हुआ है। विरोध तो होगा ना, मतलब आप गाजीपुर क्यों नहीं आते लोग? गाजीपुर भी तो आइए ना कभी, सिंघू बॉर्डर भी जाइए। हाँ मतलब ये अभी इनको ना, ये खापों का आंदोलन नहीं है, किसानों का आंदोलन है। संजीव बालियान का कल का बयान है। अच्छा, खाप और किसान क्या होते हैं? अलग अलग बता रहे हैं। अच्छा, खाप और किसान अलग अलग होते हैं, इनके लिए अलग अलग होते हैं। मतलब ये लोग, इनका मतलब ये लोग कितने बेवकूफ पंथी बनाएंगे या फिर कितना लोगों को उलझाएंगे अपनी बातों में। अभी इन्होंने खाप किसानों को अलग कर लिया, अलग कर दिया, अब ये कह रहे हैं कि हम खापों से मिलने जाएंगे। तो मतलब हमारे देश के किसान तो अब है ही नहीं कुछ, हमारे देश के अलग भी तो इन्हीं का नेता कर रहे हैं ना। नहीं तो हमारे देश, वही तो मैं बोल रही हूँ ना, इनके मतलब इनके नेताओं के लिए हमारे देश के तो किसान बचे ही नहीं है। किसान हमारे देश के खत्म हो चुके हैं, हमारे देश के किसान कुछ है ही नहीं। आप खापों से मिलने जाएंगे, आप किसानों से मिलने नहीं आएंगे, क्योंकि वो दोनों अलग हैं। आपको ये अपनी क्रोनोलॉजी जो है ये अपने जिम में रखिए। हमारे भारत के लिए ये सब चीज़ों की ना जरूरत कभी थी, ना कभी है, ना कभी होगी। हमारे भारत को जो सही में चीज़ों की ज़रूरत है वो रोज़गार की ज़रूरत है, नौकरियों की ज़रूरत है, बच्चों के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं उसको रोकने की ज़रूरत है, किसानों के ऊपर जो 3 कानून बनाए गए हैं उनको वापस कराने की ज़रूरत है, हमारे देश को, युवाओं को किस तरह से आगे बढ़कर उनका समर्थन किया जाए, उनको रोज़गार दिया जाए। हमारे भारत में जो विदेश में लोग बस जाते हैं जाकर, उनसे बढ़िया है कि हम भारत को ही अपना यूनिवर्सिटीज इतनी अच्छी बनाएं कि हमारे भारत के बच्चे यहाँ पर पढ़ सकें। उन चीज़ों पे बात करने की जब ज़रूरत है तो हमें देखिए क्या करना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है। लोग लगातार परेशान हैं, किसान भाई लगातार परेशान हैं, दिल्ली के लोग यहाँ पर मिलकर उनके साथ आंदोलन कर रहे हैं, वो लगातार अपने घरों से आ रहे हैं, सब लोग परेशान हैं, पर हमारी सरकार को कुछ नहीं दिख रहा है। हमारी सरकार को अभी मतलब कोई नया सा एक मुद्दा ले आते हैं कभी कभार, कभी ये हो गया, फिर ये बंगाल मुद्दा ले आते हैं कि बंगाल में, क्योंकि बंगाल में चुनाव है। आप सीएनआरसी आंदोलन भी आपने देखा था और भली बात है आपसे बात, क्या आपको नहीं लगता ये भी आंदोलन उसी तरफ जा रहा होगा? किस तरफ जा रहा है? सीएनआरसी की तरफ। देखिए, किसान जो सीएनआरसी का जो आंदोलन था उसको बहुत होशियारी से उन्होंने हटा दिया। जाफराबाद के दंगे करा दिए इन्होंने, मुजफ्फरनगर के दंगे करा दिए इन्होंने बहुत बुरी तरह से। उसके बाद कोरोना का वो लिया, ये कोरोना चलो था भी ठीक है, मान भी लेते हैं, तो उस कानून को मतलब उस आंदोलन को इन्होंने ख़त्म कर दिया। पर ये जो लोग है ना वो लोग कम थे, अब ये जो लोग है ना इसमें किसी तरह का जाति, किसी की धर्म, किसी का मज़हब कुछ नहीं देखकर लोग सामने आ रहे हैं। लड़का लड़की, युवा, बुजुर्ग, बच्चे सब इस आंदोलन में शामिल हैं। और जब हमारे भारत का हर एक इंसान जब आंदोलन में शामिल हो जाता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ताकत, चाहे वो बीजेपी हो, सरकार हो, हमारे भी कोई भी ताकत हो, उसको हरा सकती है। आंदोलनों से आज तक हमारा भारत देश चलता आया है, उसी से चलता रहेगा और ये इतिहास से आंदोलन बनेगा और ये आज जो हमारे तीनों कानून हैं ये वापस तो ज़रूर होकर रहेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ये बयान देते हैं कि जितनी भीड़ लगानी है लगा लो, कानून वापस नहीं होगा। अच्छा, भीड़ देखिए, पहली बात तो ये आपके भक्तों वाली भीड़ नहीं है जो आप 10-12 इकट्ठे हो जाए।